नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। न्यायमूर्ति श्री मोहम्मद रफीक ने आज शिमला में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। आई मोहम्मद रफीक, हैविंग बीन अपॉइंटेड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हिमाचल प्रदेश, डू सॉल्वली अफर्म दैट आई विल बियर ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज़ बाय लॉ एस्टैब्लिश्ड, दैट आई विल अपहोल्ड द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट आई विल ड्यूली एंड फेथफुली एंड टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, नॉलेज एंड जजमेंट परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ माई ऑफिस विदाउट फियर और फेवर, अफेक्शन और इल विल, एंड दैट आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थी। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने प्रदेशवासियों को दशहरा उत्सव की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रदेश के लोगों के जीवन में प्रसन्नता, शांति एवं खुशहाली की कामना की। श्री जयराम ठाकुर ने लोगों से उत्सव के दौरान कोविड-19 से सुरक्षा के लिए जारी विभिन्न दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सी पाल रासू ने आज शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि मंडी लोकसभा तथा अर्की, फतेहपुर व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों के उप निर्वाचन के लिए नामांकन प्रक्रिया 13 अक्टूबर 2021 को पूर्ण करने के उपरांत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मंडी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 6 उम्मीदवार, अर्की विधानसभा क्षेत्र से 3, फतेहपुर से 5 तथा जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र से 4 प्रत्याशी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त तथा समस्त सहायक रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों में निर्वाचन संबंधी किसी भी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत दर्ज करने के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी गई है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय संबंधी दिशा निर्देशों के फलस्वरूप निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण तंत्र को क्रियाशील कर दिया गया है, जिसकी निगरानी के लिए फ्लाइंग स्क्वाड, एमसीएमसी तथा वीएसटी इत्यादि दल ने अपना कार्य करना आरंभ कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सी पाल रासू ने कहा, लगभग 2,800 पोलिंग स्टेशन में पोल हो रहा है। इसमें लगभग आपके जो 300 पोलिंग स्टेशन है, जो ऐसे उसका जो सेंसिटिव या क्रिटिकल, हाइपर सेंसिटिव क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन कराया गया। इस पोलिंग स्टेशन में कड़ी इंतजाम, सिक्योरिटी इंतजाम होगी। ज़्यादातर जगह पे हम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को यूज़ करेंगे। जहाँ उपलब्ध नहीं हो रहे थे, हमारा स्टेट का जो आर्म्ड रिजर्व है उसको यूज़ करी जाएंगे। इसके अलावा जो 50% पोलिंग स्टेशन है, जो मैंने आपको कहा 2,800 पोलिंग स्टेशन है, उसमें लगभग 1,400 पोलिंग स्टेशन में वेबकास्टिंग के माध्यम से भी निगरानी रखी गई। जो पोलिंग स्टेशन में क्या चल रहा है वो मैं यहाँ बैठ के अपने जो सीईओ कार्यालय में बैठ के भी चेक कर सकते हैं। टोटल वोटर्स है 54 लाख वोटर्स है। इसमें आने वाले 4 बाई इलेक्शन में 5.5 लाख वोटर्स अपने मतदाताओं को सबसे आग्रह करते हैं आपके माध्यम से। सो सारे वोटर्स से हिमाचल के नागरिक सबसे हम आग्रह करेंगे। सो इवन दो हिमाचल में डबल वैक्सीनेशन भी 70% के नियर पहुँच रहा है, सो अब अपनी जो जिम्मेवारी भी रखना चाहिए। सो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, सैनिटाइजर यूज़ करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए। तो थोड़ा नागरिक बनना चाहिए। हम हर लेवल पे ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का जो निगरानी रखने के लिए कमेटी बनाई है, वो कमेटी जो आरओ लेवल पे भी है, वोट करना चाहिए। हम तो इलेक्शन कमीशन चाहते सत्य प्रसिद्ध प्रदेश सत्य वोट हो, ताकि सब सारे जो एलिजिबल वोटर है, अपने जो नाम दर्ज कर रहे वोटर है, अपने मत अधिकार के प्रयोग करें। जो अपने मत अधिकार को प्रयोग कर नहीं पाते, जैसे सर्विस वोटर से या अपनी ड्यूटी पे लगी, उनको भी हम प्रोविजन दी जा रही पोस्टल मैलेट के माध्यम से। ये सारे प्रावधान यूज़ करके सारे अपने वोट का अधिकार उठाना चाहिए। ये हम सीक्रेसी रख के अपने पोल दे दे, अपने मत अधिकार के प्रयोग करते।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री सीपाल रासू ने आज बताया कि पुलिस महानिदेशक श्री संजय कुंडू की उपस्थिति में पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पुलिस द्वारा की जा रही कार्यवाही पर प्रसन्नता व्यक्त की और पुलिस कर्मचारियों का उत्साहवर्धन किया। बैठक में मंडी लोकसभा क्षेत्र और अर्की, फतेहपुर व जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्रों में उपनिर्वाचन के दृष्टिगत कानून व्यवस्था बनाए रखने सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उपनिर्वाचन के लिए चुनाव प्रचार के दौरान कोविड-19 से संबंधित मानदंडों की अनुपालना सुनिश्चित करने पर बल दिया गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोविड-19 नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी करने, अवहेलना के मामलों में त्वरित व सख्त कार्रवाई करने तथा जनसभाओं व वर्चुअल सभाओं के दौरान कोविड नियमों जैसे मास्क पहनना, उचित दूरी तथा सैनिटाइजर का प्रयोग सुनिश्चित बनाने के लिए कड़े कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में चुनाव ड्यूटी का निर्वहन कर रहे पुलिस कर्मियों से 100% मतदान के लिए प्रोत्साहित करने की भी अपील की गई। ईवीएम मशीनों सहित अन्य चुनाव सामग्री की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए। संवेदनशील क्षेत्रों में केंद्रीय बल की नियुक्ति करने, अवैध शराब पर सख्ती से रोक लगाने तथा इस तरह के मामलों पर विशेष नजर बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।